सो हेलो नमस्ते सलाम और सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान स्थान 2.0 पर। सो दोस्तों, हमेशा की तरह आप लोगों के लिए YouTube कम्युनिटी से रिलेटेड कुछ खास अपडेट्स आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो शुरू करते हैं अपनी पहली अपडेट के बारे में। दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ सौरभ जोशी व्लॉग्स के बारे में। आपको बता दूं गाइस, सौरभ जोशी व्लॉग्स जो है वो अभी रिसेंटली जो है कोविड पॉजिटिव हो गए हैं, और वो ही नहीं बल्कि उनकी पूरी फैमिली में जो है वो कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। तो इसी से रिलेटेड गाइस, सौरभ जोशी ने अभी एक इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी पोस्ट किया था जिसमें वो दिखा रहे कि वो हॉस्पिटल के बेड पे लेटे हुए हैं, और उसके बाद गाइस वो एक और स्टोरी में शेयर करते हुए लिखते हैं, इमरजेंसी नीड अ बेड विद वेंटिलेटर इन हांसी हिसार फॉर माय फादर कांटेक्ट @ नवीन अगोरिया। और फिर इसी के बाद एक और स्टोरी पोस्ट करके लिखते हैं, बेड अरेंज हो गया है, थैंक यू एवरीवन। और इसके बाद गाइस उन्होंने YouTube कम्युनिटी पोस्ट पर भी शेयर करते हुए एक पिक्चर अपलोड करके उन्होंने लिखा कि व्लॉग नहीं आएंगे कुछ दिन, स्टे होम स्टे सेफ। सो गाइस, मैं यही प्रे करता हूं कि सौरभ जोशी और उनकी पूरी फैमिली जल्द से जल्द रिकवर करे, और आप लोग भी प्रेयर कीजिए गाइस कि जितनी जल्दी हो सके उनकी फैमिली रिकवर करे। तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज की ओर। मैं बात करने वाला हूँ ट्रिगर्ड इंसान के बारे में। सो बता दूं आपको गाइस कि ट्रिगर्ड इंसान के बारे में, आजकल फेसबुक पर जो है लोग एक फेक आईडी बनाकर स्कैम कर रहे हैं और बता रहे हैं कि जो है उनकी एक गर्लफ्रेंड है। अब इसी के ऊपर जो है ट्रिगर्ड इंसान ने अपना एक रिएक्शन दिया है गाइस इंस्टाग्राम पर। सो वो रिएक्शन मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूं। तो मैं बता रहा हूं तुम्हें, इतने आराम से बेवकूफ मत बना करो, स्कैम मत हुआ करो। ये देखो, फेसबुक पे किसी ने मेरे नाम का फेक अकाउंट बना रखा है, यहाँ लिखा हुआ है निश्चय मलान ट्रिगू। ऐसे थोड़ी ना बायो लिखूंगा मैं अपनी खुद की। और यहाँ पे लिखा है स्टडीड एट IIT दिल्ली इन अ रिलेशनशिप विद खुशी पदियार। भाई कौन? और फिर यहाँ पे इस पे जाओ खुशी पदियार, तो ये मैडम ने लिखा हुआ है नीचे आके, हाँ, इन अ रिलेशनशिप विद निश्चय मलान। मतलब कोई भी मेरे नाम का फेक अकाउंट बना के कुछ भी ऐसा इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर देगा, और कुछ लोग जो बहुत ही ज्यादा नाइव है वो उसके स्क्रीनशॉट लेके भाई अपनी स्टोरीज पे लगा रहे हैं, ओह माय गॉड निश्चय इज इन अ रिलेशनशिप। ग्रो अप, लाइक सीरियसली, इतने आराम से बेवकूफ मत बना करो। मेरा फेसबुक पे एक ही अकाउंट है, दैट इज नाउ वेरीफाइड, ट्रिगर्ड इंसान नाम का, रियल ट्रिगर्ड इंसान, इट इज वेरीफाइड, ब्लू टिक मार्क है। तो जब तक वो ना हो ना, तब तक बिलीव मत करना। टिक मार्क हो तो भी बिलीव मत करना भाई, आजकल स्क्रीनशॉट्स भी फेक हो जाते हैं, ठीक है? जब तक मैं अपने खुद मुंह से ना बोलूं ना, तब तक विश्वास करने की जरूरत नहीं है। सो प्लीज स्टॉप। अब गाइज, मैं आपको एक और न्यूज देना चाहूंगा सौरभ जोशी से रिलेटेड। आपको बता दूं गाइज कि पीप ओए चैनल जो है, उन्होंने अभी रिसेंटली सौरभ जोशी के ऊपर एक वीडियो बनाई है जिसमें कि उन्होंने काफी प्यारी और काफी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। सौरभ जोशी क्यों इतने सक्सेसफुल है यूट्यूब पे, उनकी कौन कौन सी वो अच्छी अच्छी क्वालिटीज है जो कि उन्हें नंबर वन यूट्यूबर बनाती है। सो गाइज, उसी वीडियो में से मैं आपको एक छोटा सा पार्ट प्ले करके दिखाता हूँ, आप भी देखिए। और हाँ गाइज, अगर पूरी वीडियो देखनी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके जरूर देखना। इस लड़की की कहानी बहुत जबरदस्त है, और ये नंबर्स बहुत माइंड बॉगलिंग है जो आपकी स्क्रीन पे, मतलब 10 मिलियन व्यूज, 8 से 10 मिलियन व्यूज हर दिन, 20 से 30 हजार सब्सक्राइबर्स हर दिन। पिछले एक साल में गाइस, एक साल में 4 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स, और अप्रैल के लास्ट महीने में तो 1 मिलियन पूरे सब्सक्राइबर्स बस एक महीने में गाइस। 156 ऐसे वीडियोस जिसके 3 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज हैं, 42 ऐसे वीडियोस जिनके 5 मिलियन से ज्यादा व्यूज हैं, और 2 ऐसे वीडियोस जिसके 10 मिलियन से ज्यादा व्यूज हैं। ये लड़का इतिहास रच रहा है, लोग देख रहे हैं कि कैसे ये उभर रहा है, कैसे इतने व्यूज आ रहे हैं, कैसे यूट्यूब प्रमोट कर रहा है, पर उसके पीछे क्या है, क्या सीक्रेट है, क्या ऐसी क्वालिटीज हैं सौरभ की, उन क्वालिटीज को शायद बस कुछ ही लोग देख पा रहे होंगे। तो मैं उन क्वालिटीज के बारे में अच्छे ढंग से बात करने वाला हूं इस वीडियो में। आप सोचिए, वो लड़का जिनकी ड्रॉइंग्स करता था आज उनसे ही आगे निकल रहा है, एंड एट द सेम टाइम ही इज नॉट वरीड अबाउट कॉम्पिटिशन। बड़े सारे यूट्यूब क्रिएटर्स को देख के आजकल ऐसा लगता है कि वो कॉम्पिटिशन में लगे हुए हैं इतने बड़े होने के बाद भी, पर इस लड़के में कुछ अलग चीज है, क्योंकि ये कॉम्पिटिशन के बारे में कुछ ऐसा बोलता। कैरी मिनाटी अमित बड़ाना से आगे निकल गया, तो मतलब अमित बड़ाना को फेल कर दिया, ये क्या बात है? फेल कर दिया, तुम कह रहे हो फेल कर दिया, ये क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, कोई कंपटीशन थोड़ी ना होता है। तो चलिए गाइस, बढ़ता हूँ अपनी अगली न्यूज की ओर। मैं बात करने वाला हूँ हिंदुस्तानी बाहू के बारे में। तो आपको बता दूं गाइस, अभी हिंदुस्तानी बाहू ने मुंबई में एक प्रोटेस्ट किया था एम्बुलेंस यूज करके, और वो भी इसलिए ताकि बोर्ड एग्जाम्स जो अभी होने वाले हैं वो कैंसिल हो जाए। अब हुआ ये गाइस कि इस प्रोटेस्ट के दौरान जो है उनको पुलिस ने पकड़ लिया। अब उसी वीडियो में से जो है मैं एक छोटा सा पार्ट आपको प्ले करके दिखाता हूँ, आप भी देखिए हिंदुस्तानी बाहू क्या बोल रहे। मैं यही कहना चाहता हूँ कि एग्जाम कैंसिल करिए और जितनी भी फीस है माफ करिए। जितने भी एग्जाम्स है कैंसिल होने चाहिए, जब ये कोरोना का महामारी खत्म होगा उसके बाद आप लोग जो एग्जाम्स लेने वो लो,
सब कुछ करो, मैं किसी को इनकार नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इतना ही है कि बच्चों के जान के साथ मत खेलिए बस। सरकार क्यों ऐसा कर रही है? तो गाइस यही थी अभी तक की न्यूज अपडेट्स, मिलता हूँ आपसे एक और वीडियो पर नए अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो गाइस, और घंटी भी जरूर दबाना ताकि जब भी कोई वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन पैनल पे मिल जाए। थैंक यू सो मच।